आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ औषधि गुणों से भरपूर बकला। ये बकला है, इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो बकला की सब्जी बनाने के लिए ये जो इसका ऊपर का पार्ट है, इस तरह से इसे हटा लेंगे। और ये देखिए, ये रेशा निकलता है, इसे हटा लेंगे। और इधर से भी इसको इसी तरीके से इस तरह से हटा लेंगे। और इस तरह से हम सारे बकले का ऊपर नीचे का पार्ट निकाल के और साइड से जो रेशा होता है इसे हटा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके रेशे को हटा लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। इस सब्जी से दाल भी बनता है। जब ये बकला पक जाता है तो इसका दाल भी बनता है। तो वो भी रेसिपी किसी और दिन हम शेयर करेंगे। आज बनाएंगे बकले की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। सारे बकले को इस तरह से हम साफ़ कर लिए हैं, ये देखिए। और अब बनाएंगे इस बकले की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। ये बकला एक यूनिक सब्जी है। ये शहरों में तो इसे कम पसंद किया जाता है क्योंकि आजकल शहरों में इसे कोई खाना ही नहीं चाहता, लेकिन गांव में आज भी इस बकले की सब्जी को बहुत लोग पसंद से खाते हैं क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी है और न्यूट्रिशन से भरी हुई है। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट बकले की सब्जी। और अब इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा। जीरा को हम चटकने देंगे। जीरा हमारा चटक गया है और अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ हम दो प्याज को पतले पतले स्लाइस में काट लिए हैं। प्याज को हम थोड़ा सुनहरा कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का सुनहरा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये बकला। और इसे हम प्याज के साथ भून लेंगे। बकला को हम दाल पर थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी होती है ये बकले की, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। कई फायदे हैं इस सब्जी की। विटामिन से भरपूर है ये सब्जी और बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये कटी हुई आलू। तो दो आलू लिए हैं, इसे भी हम बकले के साथ भून लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ बकले की भी सब्ज़ी बना सकते हैं, और अगर आप इसमें एक या दो आलू डाल देंगे तो सब्ज़ी का स्वाद और अच्छा लगेगा। तो इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सब्ज़ी हमारी भून गई है, ये देखिए। और अब इसमें हम डालेंगे ये अदरक और लहसुन, जिसे हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। इसे मिला लेते हैं। अदरक लहसुन को भी थोड़ा देर हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और सारे मसाले डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। सारे मसाले डालकर अच्छी तरह से भून लिए हैं। और अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे मिला लेते हैं। इतनी स्वादिष्ट सब्जी धीरे धीरे बाजार से लुप्त होते जा रही है क्योंकि इसे शहरों में लोगों को इसे खाना पसंद नहीं है, लेकिन ये इतनी विटामिन से भरपूर है कि अगर आप एक बार बनाकर खाइएगा तो आप हर सीजन में इसे बनाना पसंद करेंगे। गांव में तो आज भी लोग इसे बहुत पसंद से खाते हैं, बकले की सब्जी। और अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर है और ये एक हरी मिर्च है, जिसे इस तरह से हमने बीच से दो टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ हम चार टमाटर लिए हैं। इस सब्जी में टमाटर का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप तीन से चार टमाटर डालें, अगर वो छोटी वाली हो तो,
और अगर बड़ी हो तो फिर आप दो टमाटर में भी बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से टमाटर को हम मिला लिए हैं और अब इसे हम ढक देते हैं। दो मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा कर देख लेते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल गया है, तो सब्जी हमारी थोड़ी सी और पकेगी। तो यहाँ हम डालेंगे आधा कप पानी, तो यहाँ हम आधा कप पानी डालकर इसे दो से तीन मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसे ढक देते हैं। तीन मिनट हो गए हैं, सब्जी देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारे बकले की सब्जी बन गई है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालकर इसे मिला देते हैं। गैस का फ्लेम बंद करते हैं और अब इसमें हम डालेंगे ये ताज़ी फ्रेश धनिया की पत्ती। तो सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है, चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ये हमारी बकले की सब्जी बन के तैयार हो गई है। हमने इसे गर्मा गर्म चावल के साथ परोसा है। आप इसे रोटी, चावल, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप भी इस तरीके से हेल्दी और टेस्टी बकले की सब्जी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।